हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। तो ये जो ब्लॉग है ये वट सावित्री के दिन का है और ये टाइम जो हो रहा है वो सुबह के 5 बजे का है और मैं फटाफट से सारे काम कर रही हूँ। जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी, पोछा नहीं लगाऊँगी आज क्योंकि पूजा करना है मुझे। 9 बजे तक मतलब करके वापस आ जाना है क्योंकि टाइम भी वही है। तो सारे काम मैंने किए, बर्तन धुल लिए और अब मैं नहाने से पहले यहाँ पर आटा लगा के जाऊँगी नहाने, जिससे आऊँ तो तुरंत फटाफट प्रसाद के लिए पूड़ी बना लूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आटे सान ले रही हूँ। तो ये है मीठा आटा, थोड़ा सा इसकी गोलियाँ बनेंगी जैसे बरगद जी के फल होते हैं गोल गोल वैसे, और ये मतलब प्लेन आटा है। इसकी पूड़ियाँ बनेंगी 12 × 24 पूड़ियाँ बनेंगी। इसको पेयर में चढ़ाते हैं तो गुनी को पहले उठा देती हूँ, गुनी शरद दोनों को उठा दूँ, वो लोग भी नहा धो लें, वो लोग भी जाएंगे। ये देखिए उठने का नहीं मन करता बच्चों का, और धूप भी निकल आई है। देखिए 5 बजे जब मैंने आपको दिखाया था तो कितना मतलब उस मॉर्निंग का समय था, 1 घंटे में ही कितना अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं फूल तोड़ ले रही हूँ सारे, और इसके बाद अब मैं नहा लूँगी और नहा धोकर ही उसके बाद प्रसाद के लिए पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो सारे फूल वूल मैंने तोड़ लिए हैं, अब इसे रख दूँगी मंदिर में। इसमें से कुछ मेरे भी काम आएंगे, कुछ यहाँ घर पर भी पूजा के काम आएंगे। तो मैं नहा करके आ गई थी, उसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया था और ये गोलियाँ जो है गुनी ने बनाई है। मैंने बोला था कि बेटा तुम बना के रखो, तो मैं नहा के जल्दी से आ रही हूँ। तो गोलियाँ बनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। तो पैर में चढ़ती है ना पूड़ियाँ, तो बरगदा ही इसे बोलते हैं एक्चुअली हमारे यहाँ, तो फिर बरगदा ही है। तो 12 जोड़े में पूड़ियाँ बनेंगी ना, तो गोलियों की कोई गिनती नहीं है बट पूड़ियों की गिनती है। तो 12 पूड़ियाँ यानी कि 24 पूड़ियाँ बनानी है मुझे, तो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। फ्रेंड्स पूड़ी बन गई है और गोलियों को भी मैंने तल लिया। अब ये जो है ना मुझे चढ़ाना है गौरी माता के लिए, इसको बनाते हैं। तो 12 गोलियां डंडी में करके 2 जगह ऐसे ऐसे तल लेना होता है, काफ़ी जगह कच्चे भी करते हैं। तो ये यहाँ पर पूजा के सामान सब इकट्ठा कर लूँ। तो दिया मैं आटे से बना ली हूँ, जिससे कि वहाँ पर जलता हुआ दिया ही छोड़ दूँगी तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर दिया के लिए भी रुकना पड़ता है थोड़ी देर, तो कुछ चने भी लगेंगे, कुछ पानी के साथ हमें खड़े ही इसको निगलने हैं और कुछ पूजा में लगेंगे। और ये है चावल को मैंने रात को ही भिगो दिया था, उसे पीस लिया, इसमें हल्दी मिला लिया। तो सारे पूजा के सामान मैं सब यहाँ पर इकट्ठा कर लूँ फटाफट से, और उसके बाद तैयार भी होना है क्योंकि 8 बजे तक, जिससे कि हम लोग चले जाएं, दूर नहीं जाना है, बस घर के सामने ही जाना है, बरगद का पेड़ है वहाँ पे। तो पूजा के सामान हो गए हैं और ये मैंने रील रख ली है लपेटने के लिए, और रील से ही 12 राउंड की मैंने एक माला अपने लिए बनाई है और एक गौरी माता के लिए बनाई है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं, और ये है मेरी नंद, मेरे मामा ससुर की बेटी हैं, तो आ गई थी टाइम से, इस बार ये भी पूजा करती हैं मेरे साथ में ही। तो हम लोग अब जा रहे हैं, ये देखिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर बरगद जी के पास। तो बरगद जी के पास पहुँच कर सबसे पहले तो हम सोच में पड़ गए थे क्योंकि हमें इसका जो फल होता है ना वो चाहिए होता है, 11 चने और एक फल, उसे लेकर हमें पानी के साथ निगलना होता है। तो उसी के चक्कर में हम लोग थे कि कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, डंडा उंडा ढूंढा जा रहा था। उसके बाद ये देखिए मेरी ननद रानी जुट पड़ी हैं, ननद का जो काम है ना वो अपना ये बखूबी निभा ले रही है, मतलब निभाती नहीं है ऐसा नहीं है। तो 2 ठो इन्होंने कैसे तैसे कर कर तोड़ा। तो बस चलिए फटाफट से हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है यहाँ से सामने मतलब हमारे यहाँ भोलेनाथ की मंदिर भी है इसी जगह, और महारानी माई हम लोग जिसको कहते हैं, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था महामाया माता, तो वो भी यहाँ पर हैं। तो सारी जगह पे मैं चलूँगी, पूजा करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो इन्जॉय करिए आप वीडियो को, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप इन्जॉय करिए वीडियो को।
रिकॉर्डिंग है, ये गुनी कर रही थी, तो ये देखिए सामने घुमाकर इसने कैमरा दिखा भी दिया। ये है महामाया माता, जिसे हम लोग महारानी माई कहते हैं, बहुत मान्यता है हमारे गांव में और भोलेनाथ का मंदिर है। तो पहले यहाँ पे पूजा कर लेंगे, उसके बाद वहाँ भी चलेंगे। और सारे बच्चे इतना इन्जॉय कर रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा था ना, एक्चुअली धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था भगवान की कृपा से, गर्मी भी नहीं लग रही थी। तो मैं लगा लेती हूँ फेरियाँ, 12 फेरी लगानी है। तो गाइज़ यहाँ पर फेरी मैंने लगा ली है, अब इस रील को तोड़ेंगे नहीं, इसी में से लगा देंगे और लास्ट में कर लेते हैं आरती। तो आरती भी हो गई है लगभग हमारी, और सारे मतलब काम जितने भी हैं पूजा के सब हो जाएंगे। तो सबसे लास्ट में क्या करना है कि हमें माला एक्सचेंज करनी है। जब कोई साथ में नहीं होता ना, तो मैं गौरी से एक्सचेंज करती हूँ, जो मतलब गोबर, गाय के गोबर से गौरी बनाते हैं, गौरी माता, तो उनसे एक्सचेंज करते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही किसी के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। 12 बार इस तरह करते हैं कि लास्ट में 12 नंबर पर आके हमारी खुद की माला हमारे गले में रहे, तो सारे काम हो गए। तो भगवान बट वृक्ष देवता और सावित्री माता हमारे पतियों की रक्षा करें, हमारा सुहाग बनाए रखें, सबका सुहाग बनाए रखें। और सबसे लास्ट ये देखिए 11 चने और एक जो बरगद का फल है उसे हमने पानी से निगल लिया है, और सबसे लास्ट में बरगद बाबा की सेवा पानी हो रही है। तो पैर दबाए जा रहे हैं, हाथ दबाए जा रहे हैं, साथ ही साथ इन्हें पंखा भी किया जा रहा है। और बहुत छोटा सा पंखा मैं लाई थी, तो हंस रहे थे सब लोग कि जितने बड़े बरगद बाबा हैं और हमारा पंखा उतना ही छोटा है। तो कोई नहीं, मन की भाव से पूजा होती है। तो वहाँ पे हो गई पूजा, अब यहाँ पर जल लेकर, सामने ही नल भी था ना, तो जल लेकर यहाँ पर हम महामाया के जो माता जी हैं पेड़ के नीचे आ चुके हैं। तो महारानी माई जी ने कहते हैं हमारे गांव में इनकी बहुत मान्यता है, हम भी मानते हैं बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि हम नहीं मानते, मतलब बहुत मान्यता है। तो पूजा कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग जल भी चढ़ा लेंगे, भोलेनाथ जी को भी जल चढ़ा लेंगे। तो ये देखिए हम आ चुके हैं मंदिर में भोलेनाथ जी के यहाँ जल चढ़ाने के लिए। तो बस यहीं पर थी, मतलब लास्ट पूजा यहीं पर थी, इसके बाद घर पहुंचकर पूजा करनी है। तो सारी पूजा वूजा बहुत अच्छे से हो गई, कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक की थी, तो उसे भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो देख लीजिए आप। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है। तो इन्जॉय करिए मेरी वीडियो को। कैसी लगी मेरी फ़ोटोज़ बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ से अब हम रहे हैं घर पे, और घर पे पहुँच कर भी पूजा करनी है, लड्डू गोपाल जी की भी सेवा पानी में हमें हाजिरी लगानी है। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी इंतज़ार कर रहे थे कि कहाँ चली गई है आज मुझे उठा करके, नहीं तो उठा कर सबसे पहले इन्हीं की सेवा पानी में लग जाती हूँ। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हरे तेरी लीला सबसे न्यारी, हरी 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 भज मन्नारायण हरे हरी। बरगद बाबा की पूजा भी हो गई और मंदिर की भी पूजा हो गई, सारे काम हो गए, और जो टाइम हो रहा है वो भी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10। और अब चल रही हूँ खाना बनाने जल्दी जल्दी से, क्योंकि गुनी के पापा की पूजा कर रहे हैं, मैं पूजा कर चुकी हूँ। खाने में दाल चावल रोटी सब्जी ही बनाना है, नॉर्मल खाना बिना प्याज लहसुन का बनाऊँगी, क्योंकि आज बट सावित्री की पूजा की है इस वजह से। और बस अब यहाँ पर वीडियो का एंड भी करूँगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और आपके यहाँ भी रही जाती है कि नहीं ये भी बताइएगा कमेंट में। और कथा की बात करें तो कथा मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर की है वट सावित्री की, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़
देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी लास्ट ईयर की बट सावित्री व्रत का जो वीडियो था वो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ देख लीजिएगा। अब यहाँ पर वीडियो का एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपका एक शेयर और एक लाइक मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से मेरा थैंक यू, दिल से आभार है। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको मिलेगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन की बटन को दबाकर और उसे ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बस अब यहाँ पर करती हूँ वीडियो का एंड, एक बार फिर से कहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में, बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।